हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज सब्जेक्टेड टू एन एसी सिग्नल ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ है इज 31.4 वोल्ट, देन करेंट इन द सर्किट इज। देखिए बच्चों, यहाँ पे सीरीज एलसीआर है ना। सीरीज एलसीआर मतलब यहाँ पर एक इंडक्टर है, फिर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये हो गया इंडक्टर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर कुछ एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक है। तो बोला गया कि इसमें कुछ करंट भी फ्लो कर रहा है आई, एंड इस करंट की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस वी एल, और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है 10 मिली हेनरी। ओके, और जो एसी सोर्स है उसका हमें वोल्टेज दिया हुआ है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एसी सोर्स का जब भी वोल्टेज आपको ना ऐसा नहीं दिया हुआ हो, जैसे कि 200 sin ωt, तो अगर साइन या कॉस के फंक्शन में नहीं हो, डायरेक्ट ऐसे 200 लिखा हो, इसका मतलब समझिए कि ये आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब वी आरएमएस वैल्यू होगा, ठीक, पीक वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो देखिए, अब हम लोगों को अगर यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और हम लोगों से आई पूछ रहा है, तो सीरीज़ में तो क्या होता है, आई सेम होता है, चाहे इसमें देखो, चाहे इसमें देखो, या इसमें देखो, या सभी को मिला के देखो एक साथ, आई तो ऑलवेज सेम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, क्योंकि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, ठीक है। तो आई इंटू एक्सएल, तो वी एल कितना है, 31.4। आई हमें फाइंड करना है और एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक। तो 31.4 ये तो ठीक है, बट यहाँ पर ओमेगा नहीं मालूम है, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अब यहाँ पर आई इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 50 हर्ट्ज़ है, तो वो रख दीजिए। एल कितना है, 10 मिली हेनरी है, तो मिली रख दीजिए यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए, ये 20, ये 100 होगा, है ना, और एक ये 0, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 31.4 इज इक्वल टू आई इंटू पाई रहेगा रिमेनिंग, पाई, ठीक है। दूसरा और कुछ यहाँ पर रिमेनिंग है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 31.4 इज इक्वल टू आई इंटू पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू आ जाएगा 31.4 बाई 3.14। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड भी कर दीजिए, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए, तो ये 31.4 हो जाएगा और ये 10 यहाँ रहेगा रिमेनिंग, तो ये कैंसिल हो गया। तो करंट कितना मिलेगा आपको, 10 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।